हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट साइकिल के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुन रखा हुआ है, बिल्कुल। और जो कार्नोट साइकिल होता है वो हमने इसके बारे में पढ़ भी रखा है, और कार्नोट थ्योरम जो है ये हो सकता है हमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकिल से ही जाके लिंक करेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी मैं क्या जो कार्नोट साइकिल है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा। इस वीडियो में एक्चुअली थोड़ा सा क्या वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कार्नोट साइकिल के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज कार्नोट साइकिल, क्या होता है कार्नोट साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रिवर्सिबल साइकिल होता है, बिल्कुल सही बात है। आइडियल साइकिल होता है, बिल्कुल सही बात है। एफिशियंसी 100% होती है, बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। कार्नोट साइकिल का जिससे भी अगर कार्नोट साइकिल के बारे में बात कर ली जाए और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पूछ दी जाए तो बंदा आंख बंद करके बोलता है क्या कि एफिशिएंसी 100%, मतलब जो आपकी कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। ऐसा लगता है भैया ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 100% का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी 100% बोल रहा हूँ, मतलब समझिए चीजों को, ये कार्नोट साइकिल है, आप ये बोल रहे हो कि 100% एफिशिएंसी है, मतलब डेट इज इक्वल टू 1, और एफिशिएंसी इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट हमारा W होता है, इनपुट हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन पे अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे तो मैं W इक्वल टू क्यू लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं जितना हीट सप्लाई किया हूं वो पूरा का पूरा मुझे वर्क में मिल जाएगा। मतलब अगर आप ये बात करोगे ये साइकिल को लेके, तो यहां पर मान लो आप यहां हीट दे रहे हो तो हीट और W ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे तो कहीं रिजेक्शन का जरूरत ही नहीं है। तो रिजेक्शन का जरूरत नहीं है तो इस हिसाब से अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको 100% आ गया ना। तो सिंगल रिजर्वायर पे करा दिए काम, हो गया खत्म कहानी। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, उसको अगर पता चल गया कि यहाँ सिंगल रिजर्वायर पे काम कराना चालू कर दिए हो, बहुत मार मारेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, 100% एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब केल्विन प्लैंक आपको ये बोल के गया है क्या कि कोई भी आपका साइकिल सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं करेगा, तो फिर क्यों हम लोग सिंगल रिजर्वायर के पीछे पड़े हैं? हमने तो 100% एफिशिएंसी की बात की है, तो 100% एफिशिएंसी का तो यही मतलब है ना कि आप कुल मिला के उसको सिंगल रिजर्वायर पे काम करा रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये सिंगल रिजर्वायर पे काम करा दोगे? केल्विन प्लैंक दो साइंटिस्ट थे, दोनों मिलके दिन रात मेहनत करके एक आपको कंक्लूजन बता के गए, और वो भी कंक्लूजन हम लोग क्या है कार्नोट थ्योरम में लाके वैलिड कर दिए। मतलब जब कार्नोट साइकिल में अप्लाई करने का बारी आया तो वैलिड कर दिए। तो ऐसा पॉसिबल है सर? इसीलिए तो ये गलत होता है, इसीलिए तो ये रिवर्सिबल साइकिल है। अरे भैया रिवर्सिबल साइकिल है ये, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कार्नोट ने कभी ये नहीं बोला कि मेरी साइकिल की एफिशिएंसी 100% होगी। अगर 100% एफिशिएंसी बोल देता तो इसको पढ़ते क्यों? केल्विन प्लैंक वही उसको मार के निपटा दिया रहता अगर ये एफिशिएंसी 100% होती तो। कार्नोट ने कभी ये नहीं बोला कि मेरी साइकिल 100% एफिशिएंट है। ये तो लोगों के क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबके दिमाग में ठूसा गया है, और पता नहीं कहां से ठूसा गया है कि 100% एफिशिएंसी होती है। हाँ आपको कई बुक्स पे भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उस बुक का अगर स्टेटमेंट आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक चीज दिखेगा, कार्नोट साइकिल को की जो एफिशिएंसी आती है उसको हम लोग रेफरेंस के तौर पे 100% मान के चलते हैं, लेकिन कार्नोट ये कभी नहीं बोला कि मेरी साइकिल 100% एफिशिएंट होगी। 100% एफिशिएंट होने का मतलब आप इसको सीधा सीधा सिंगल रिजर्वायर पे काम करा दोगे। तो सिंगल रिजर्वायर पे काम कराओगे तो केल्विन प्लैंक को तो वायलेट कर दिया, तब तो ऐसा है हवे में कोई कुछ भी बोल के थोड़ी चल देगा तो हम उसको पढ़ने लगेंगे। ठीक है कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉसिबल कार्नोट साइकिल का ये रीजन नहीं है पॉसिबल नहीं होने का कि वो बोल के गया कि मेरी साइकिल 100% एफिशिएंट होती है। कार्नोट साइकिल ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मेरी साइकिल 100% एफिशिएंट है। तो बात है कार्नोट साइकिल बोल के क्या गया और हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते क्यों है। कार्नोट साइकिल ये बोल के गया कि विद इन सेम टेम्परेचर लिमिट। अब सेम टेम्परेचर लिमिट का क्या मतलब है? कार्नोट ने कभी केल्विन प्लैंक को वायलेट नहीं किया है। केल्विन प्लैंक क्या बोला, सिंगल रिजर्वायर पे आपको कोई भी काम नहीं कराना है। तो इसका ये मतलब है कि आपको कम से कम दो रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी, और कार्नोट ने एग्जैक्टली वही किया है, उसने दो रिजर्वायर उठाया।
कार्नोट ने क्या किया, यहाँ पर कार्नोट ने दो रिजर्वायर उठाया, तो दो रिजर्वायर में एक आपका क्या बन गया, एक आपका बन गया सोर्स, और दूसरा आपका जो बन गया वो क्या बन गया, आपका सिंक। अब देखिए कार्नोट क्या बोल के गया, यही कार्नोट थ्योरम में जो बोल के गया है, क्या बोला, इस टेम्परेचर लिमिट पे अगर ये डेफिनेटली सोर्स और सिंक है तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर लिमिट होगा। मान लीजिए कि सपोज ये आपका टी एच है और ये आपका टी एल है, यहां से आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो कार्नोट देखो कितना अच्छा चीज बोल के गया है और हमारे दिमाग में क्या क्या ठूस दिया गया है जबरदस्ती। कार्नोट ये बोल के गया कि भैया एक बार अगर आपका टी एच और टी एल फिक्स हो जाए, मतलब आप टी एच की कोई भी एक वैल्यू ले लो और टी एल की वैल्यू कोई भी एक ले लो, उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी जाओ और कैसा भी साइकिल डिजाइन करके ले आओ और ये साइकिल को इसी फिक्स टेम्परेचर लिमिट के बीच में डाल देना, ठीक है, और वो साइकिल कितना भी एफिशिएंसी दे दे, लेकिन कार्नोट साइकिल जितना एफिशिएंसी दे देगा उतना दुनिया का कोई भी साइकिल एफिशिएंसी नहीं देगा। फिर से सुनिएगा, विद इन सेम टेम्परेचर लिमिट, मतलब आपका टी एच और टी एल दोनों को फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद अब आप यहां पर कोई भी साइकिल लेके आओ। कार्नोट ये नहीं बोला कि इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में मेरी एफिशिएंसी 100% है, कार्नोट ये बोला 5% दे, 50% दे, 90% दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी साइकिल जितना एफिशिएंसी दे देगी दुनिया की कोई भी साइकिल उतनी एफिशिएंसी नहीं देगी, दे विथ अ फिक्स टेम्परेचर लिमिट, ठीक है, देयर इज नो साइकिल विच गिव्स एफिशिएंसी इक्वल टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी विद इन फिक्स टेम्परेचर लिमिट, ठीक है। अब बात है ऐसा करके कार्नोट ने कौन सा तोप काम कर दिया है, कार्नोट ने बहुत ही तोप काम किया था, बाय डिफॉल्ट वो थ्योरिटिकली रह गया, प्रैक्टिकली क्यों नहीं चल पाया, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका तोप काम क्या था, फिर मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकली क्यों नहीं चल पाया वो, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं, ये मैं आपको अभी रीजन ये दे रहा हूं कि कार्नोट साइकिल जो है ऐसा बोल के गया उसके स्टेटमेंट से क्या फायदा हुआ है। देखिए सीधा सीधा एक बात है, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पीएचडी वगैरह का मौका मिला, फॉरेन वगैरह गए और वहां गए तो आपका दोस्त भी एक बना, ठीक है, आप दोनों लोग पीएचडी में जबरदस्त मेहनत किए हैं और जबरदस्त साइकिल आपने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, अब जो आपने साइकिल डिजाइन किया तो यहाँ पर आप बात करते हैं, तो अब आपको क्या बोला गया कि चलो भैया आपको अब साइकिल चलाना है, ठीक है, तो साइकिल चलाने आप पहुंचे यहाँ पर, अपने साइकिल को फिट कर दिए किस टेम्परेचर लिमिट के बीच में, तो कोई भी आप एक टेम्परेचर लिमिट ले लो, तो मान लीजिए कि सपोज ये एक मैं ले लेता हूँ जो सोर्स का टेम्परेचर है 1000 केल्विन और मान लीजिए जो सिंक का टेम्परेचर है वो मैंने ले लिया है 100 केल्विन, ठीक है। अब क्या है, ये अगर आप लगाओगे तो यहाँ से कुछ हीट आएगा और ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला वर्क, ठीक है, ये आपको मिला क्यू एच और ये आपको क्या मिला क्यू एल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो दिमाग की गलत फहमी है, भ्रामक चीजें हैं, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी अभी, ठीक है। अब देखिए ये जो 1000 केल्विन से 100 केल्विन के बीच की जो कहानी चल रही है इसके साथ क्या होगा, इसकी अगर एफिशिएंसी निकाला जाए तो मैं अभी आगे आपको प्रूफ करूंगा इस चीज को, बस अभी आप टेम्प्रोरी बेसिस पे मान लो कि मान लीजिए कि इसकी मान लो मैंने एफिशिएंसी निकाली और एफिशिएंसी ऑफ द जो कार्नोट होता है वो आपका क्या होता है 1 - t lower by t higher, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, याद भी मत रखो, अभी मैं आगे आपको खुद याद करा दूंगा जब डिराइव कराऊंगा तो, ठीक है। अब देखिए 1 - tl by th, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, ये तो आपका पोर्शन हो गया 1 - t lower टेम्परेचर की बात करें तो कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 100 केल्विन, ठीक है 100, और डिवाइड बाई ये कितना है आपका 1000, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए कि जब आपने ये साइकिल लगाया तो आपका और आपके दोस्त का साइकिल, ठीक है, एक जो आपकी साइकिल एफिशिएंसी दी, मान लीजिए आपकी साइकिल एफिशिएंसी कितना दी 50%, और आपकी जो साइकिल जो आपकी दोस्त की साइकिल थी वो मान लीजिए कि सपोज एफिशिएंसी कितना दिया 80%, एग्जांपल्स ले रहे हैं कि आपकी जो साइकिल वो 50% है, आपकी साइकिल थोड़ा कम एफिशिएंट दे दी और आपकी दोस्त की साइकिल 80% दी, तो ये जान के आपको बहुत दुख लगा होगा कि हम लोग दोनों साथ में रहने वाले हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी 80% आ गई है, ठीक है। तो कार्नोट का पहले एफिशिएंसी चेक कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग कार्नोट की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 90%,
इसका ये मतलब है पहला कंक्लूजन क्या, अगर आप इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में कोई भी साइकिल चलाते हो तो ये तय बात है कि आपको 90% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको 100% के पीछे नहीं भागना है, हमको क्या करना है, हमको 90% को मैक्सिमम या रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। अब आप 90% को कंसिडर कर सकते हो 100% की तरह, बट एग्जैक्टली इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 90% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका दोस्त है और ये जो एक आप हो, आपको पता है कि इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% जा सकती है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी गई कितनी, 50%। तो आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत मेहनत करना चाहिए क्योंकि 90% तक जा सकता है और मैं 50% पे ही आके रुक रहा हूँ। आपका जो दोस्त है ये तो नो डाउट खुश होगा क्योंकि 80% एफिशिएंसी है, तो बहुत खुश होगा ये। क्यों? क्योंकि ये 80% एफिशिएंसी और ये जानता है कि 90% एफिशिएंसी के बराबर पहुंच सकता है। ठीक है, फिर भी आप दोनों लोग गए, दोनों गए, फिर क्या हुआ, ये जो आपका दोस्त है ये थोड़ा मज़े से पार्टी किया और आप बहुत जाके क्या हुआ, टेंशन में बैठ गए हो। क्यों? क्योंकि मुझे 90% मिल सकता था लेकिन 50% ही मिला। ठीक है, तो फिर से आपने क्या किया, आपने दिन रात मेहनत किया और जो आपका दोस्त है वो थोड़ा बहुत मेहनत किया कि चलो यार पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर से आपने क्या किया, कुछ दिनों के बाद फिर से आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया गया और फिर से आपको टेम्परेचर लिमिट दिया गया। इस बार जो टेम्परेचर लिमिट दिया गया, सोर्स का टेम्परेचर 1000 केल्विन था और जो सिंक का टेम्परेचर वो कितना हमने कर दिया, डेट इज़ द 900 केल्विन। ठीक है, ये हमने 900 केल्विन किया और यहाँ से आपको कुछ वर्क मिला। तो इस बार अगर आप कार्नोट की एफिशिएंसी निकालते हो फिर से, तो कार्नोट की एफिशिएंसी कितना आएगी, 1 - T lower 900/1000। ठीक है, अब सुनो, जब आप इस साइकिल के बीच में जब लगाए थे तो आप फिर से अपना साइकिल लेके आए और जब आप लेके आए तो आप देखिए कि जो आपकी साइकिल है वो साइकिल आपकी 8% एफिशिएंसी दे रही है। ओ माई गॉड, 8%। और जो आपका दोस्त है उसका साइकिल का एफिशिएंसी क्या है, 12%। ठीक है, तो अगर आप 8% देखे होंगे तो बहुत दुख लगा होगा, लेकिन दोस्त का 12% देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को थोड़ा शांति मिल रहा होगा। अब एक बार ये मिला, अब क्या है, मैं दिन रात इसमें लग जाऊं क्या कि अरे मैं 100% अचीव किए बिना दम नहीं लूंगा, तो ये 8% है, इसको आप 100% ले जाना चाह रहे हो, तो इससे पहले कार्नोट से जाके पूछ लो कि भैया तू कितना एफिशिएंसी दे रहा है। तो यहाँ पर कार्नोट बताएगा, कार्नोट क्या बोलेगा, इस फॉर्मूले में लगाओ और जब आप इस फॉर्मूले में लगाओगे तो आपको एफिशिएंसी कितना मिलेगा, 10% एफिशिएंसी। 10% एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अगर आप इस टेम्परेचर लिमिट में काम करोगे तो एक तो तय बात है 10% एफिशिएंसी से ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, मतलब इस साइकिल के बीच में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 10% दे सकता है, तो आपको 8% कौन सा खराब डेटा मिल गया, 10% एफिशिएंसी था, 8% मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये आपका दोस्त 12% पकड़ के ही काट देना इसको, क्यों, क्योंकि 12% एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के अगर आप अब रेफरेंस पॉइंट पे बात करोगे तो कोई भी साइकिल का एफिशिएंसी अगर आपसे पूछता है रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इम्पॉसिबल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालोगे। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के बाद इन चीज़ों को चेक करिए, चेक करोगे तो अगर आपकी एफिशिएंसी 10% से कम आ रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका साइकिल पॉसिबल होगा, 10% से ज़्यादा आएगा तो आपकी साइकिल इम्पॉसिबल की कैटेगरी में चले जाएगी। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये बोल के गया था कौन, कार्नोट थ्योरम। तो अगर हम लोग कार्नोट थ्योरम की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर अ फिक्स टेम्परेचर लिमिट देयर इज नो साइकिल विच गिव्स एफिशिएंसी इक्वल टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, तो फॉर अ सेम टेम्परेचर लिमिट और फिक्स टेम्परेचर लिमिट, तो अगर आप इस थ्योरी को लिखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ है मैं आपको बताया हूँ बिल्कुल खोपड़ी के अंदर जाना चाहिए कि जो हमारा कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी है, कार्नोट कभी भी ये चीज़ बोल के नहीं गया है कि मेरी साइकिल 100% एफिशिएंसी होगी। कार्नोट ये बोल के गया है कि विद इन सेम टेम्परेचर लिमिट मेरी साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी, अब वो चाहे 10% हो चाहे 90% हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
समझ में आई चीजें, ठीक है। तो कार्नोट ने कभी भी केल्विन प्लैंक को वायलेट नहीं किया है, कभी भी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। आज उसको पता अगर चलेगा कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा लोग पढ़ रहे हैं और 100% एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, तो वो बेचारा क्या है, सुसाइड कर लिया रहता ये जान के, ठीक है। वो बोला कुछ और है, खोपड़ी के अंदर कुछ और चले गए हैं, ठीक है। अगर आपको 100% मानने की इतनी इच्छा है, आत्मा गवाही नहीं दे रही है, तो इसी 10% को आप 100% एफिशिएंसी मानिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अपने मन से एफिशिएंसी को 100% नहीं बोलना है। कार्नोट ने जो एफिशिएंसी दिया वो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए, तो इसको अगर आप थ्योरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट आप बिल्कुल अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन करोगे? इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट, अगर हम लोग इस पे कार्नोट थ्योरम की बात करें, एक लाइन क्या है लिख लेते हैं, इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट। फिक्स टेम्परेचर लिमिट समझ में आया, ये ठीक है, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर। देयर इज नो साइकिल, देयर इज नो साइकिल विच गिव्स एफिशिएंसी, विच गिव्स एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। कहानी को समझ में आई, विच इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। तो आपको काफी कुछ कहानी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा साइकिल है उसकी बात चल रही है और फिक्स टेम्परेचर लिमिट के बीच में कोई भी ऐसा साइकिल नहीं है जो आपका क्या होगा, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी के बराबर हो, ठीक है। तो कुल मिला के अभी हमने कार्नोट थ्योरम पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं कार्नोट साइकिल को लेके। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाय करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।